जीरेन, नोट कर सकते हो उसको, जीरेन। और दूसरा इन्फिनिटिव, रुको यार बोर्ड का कुछ इश्यू है, जीरेन इन्फिनिटिव है। अच्छा मैं समझ गई थी, पार्टिसिप। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स, अभी मैं तीनों को एक साथ इकट्ठे कंपैरिजन करके पढ़ा रही हूँ। आप लोग जनरली स्टूडेंट्स जब भी आते हैं बोलते हैं मैम जीरेन क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, और उससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, ठीक है, ये सारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। और हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स किसको बोलते हैं, दुनिया के सारे वर्ब फाइनाइट्स होते हैं, बस यही तीन नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब इसे क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है। प्रेजेंट में भी वही जीरेंड, पास्ट में भी वही जीरेंड, और फ्यूचर में भी वही जीरेंड। प्रेजेंट में भी वही इन्फिनिटिव पार्टिसिपल, पास्ट में भी वही, और फ्यूचर में भी वही। तो इसका टेंस से कोई लेना देना नहीं है, और सिंगुलर और प्लूरल से भी कोई लेना देना नहीं है। सिंगुलर के सब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ भी वही जीरेंड, प्लूरल के साथ भी वही, सिंगुलर के साथ भी वही इन्फिनिटिव, इसीलिए हम इसको नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। उसीलिए हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं उसको। अब ध्यान से सुनोगे चीज़ों को, जीरेंड इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। ये जो जीरेंड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जब वर्ब एक्टिंग एज नाउन, जब वर्ब एक्टिंग एज नाउन, जब वर्ब नाउन का काम करने लगे उसको हम जीरेंड बोलते हैं, ठीक है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जब वाक्य में नाउन का काम करने लग जाए तो दैट इज नोन एज जीरेंड, ओके। और नाउन का काम क्या होता है, नाउन का काम होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। ये मैंने आपको फंडामेंटल में बता दिया है, नाउन का काम होता है किसी वाक्य में सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। इसका मतलब ये जीरेंड किसका, जीरेंड नाउन है, जीरेंड नाउन है। और इसको हम बोलेंगे नकली वाला नाउन, नकली वाला नाउन मतलब इसमें मिलावट है। नकली क्यों है, क्योंकि इट इज अ वर्ब एक्टिंग एज अ नाउन। जैसे मैंने लिख दिया बॉय, बॉय गर्ल, ये सब नाउन है, बट दीज आर प्योर नाउन्स, ये असली वाला नाउन है, बट जीरेंड में मिलावट है। मिलावट है मतलब है तो वर्ब बट काम करता है नाउन का। तो जब वर्ब नाउन का काम करने लग जाए उसको हम जीरेंड बोलते हैं। और वर्ब का कौन सा फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जिसमें से आईएनजी नाउन का काम कर रहा है, तो दैट इज नोन एज जीरेंड। इसीलिए हम जीरेंड का नाम देते हैं वर्बल नाउन। कई बुक्स में आप देखोगे जीरेंड का नाम होता है वर्बल नाउन। इसको हम वर्बल नाउन क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये होता तो वर्ब है बट काम करता है नाउन का। और नाउन का काम क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना, ठीक है। एंड व्हाट इज एन इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव भी सेंटेंस में नाउन का ही काम करता है। इन्फिनिटिव इज टू प्लस वी वन। और एक होता है बेयर इन्फिनिटिव, इस पर बेस कैसे क्वेश्चन आता है मैं बताऊंगी। एक होता है बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव मतलब इन्फिनिटिव का काम तो कर रहा है बट विदाउट टू, ठीक है, विदाउट टू। अब आपका क्वेश्चन होगा कि जीरेंड भी नाउन का काम करता है और इन्फिनिटिव भी वाक्य में किसका काम करता है, नाउन का, ओके जी। और नाउन का काम करने के लिए उस इन्फिनिटिव को क्या बनना होगा, सब्जेक्ट बनना होगा या ऑब्जेक्ट बनना होगा। तो इन्फिनिटिव भी जीरेंड की तरह नाउन का काम करता है, बट डिफरेंस क्या है कि इन्फिनिटिव वी वन फॉर्म में होता है और जीरेंड वी फोर फॉर्म, वी फोर मतलब आई एन जी फॉर्म, ठीक है। और दो तरह का इन्फिनिटिव होता है, मैं बताऊंगी, एक तो टू प्लस वी वन वाला और एक इन्फिनिटिव होता है बगैर टू वाला, उसको हम बेयर इन्फिनिटिव बोलते, उसको हम बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला, व्हाट इज पार्टिसिपल, पार्टिसिपल किसको बोलते हैं, जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लगे तो उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल बोलते हैं। और कई बार हम पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव भी बोलते हैं, जैसे जीरेंड को वर्बल नाउन बोलते हैं ना, पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं। और वर्ब का दो ही फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, एक वी फोर और एक वी थ्री। और जब वी फोर काम करता है तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, अभी मैं इस पर बेस क्वेश्चंस करवाऊंगी। और जब वी थ्री काम करता है तो उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, आज हम लोग का जो सेशन है दैट इज बेस्ड ऑन नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब से जो जो एग्जाम्स में एरर आते हैं उस पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। और नॉन फाइनाइट वर्ब में तीन वर्ब आता है, एक जीरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। जीरेंड किसका काम करता है, नाउन का। इन्फिनिटिव किसका काम करता है, नाउन का। बट पार्टिसिपल किसका काम करता है, एडजेक्टिव का, ठीक है। और ये नाउन का काम करता है बट वी फोर फॉर्म में, वी फोर मतलब आईएनजी में। और इन्फिनिटिव भी नाउन का काम करता है वी वन में, टू प्लस वी वन, कभी कभी बगैर टू का भी होता है। और पार्टिसिपल तो जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करे। तो ये सारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स है ना, सब में मिलावट है, ठीक है, सब नकली वाला है। नकली है मतलब ये नकली नाउन है, है तो वर्ब काम कर रहा है नाउन का, ये भी है तो वर्ब काम कर रहा है नाउन का, और पार्टिसिपल है तो वर्ब बट काम कर रहा है
एडजेक्टिव का, जैसे मैंने लिखा ऑनेस्ट, ऑनेस्ट भी तो एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट भी एडजेक्टिव है, बट हम ऑनेस्ट को पार्टिसिपल नहीं बोल सकते क्योंकि ऑनेस्ट प्योर वाला एडजेक्टिव है. और पार्टिसिपल कब होता है? जब वर्ब हो और एडजेक्टिव का काम करने लगे. बट ऑनेस्ट कहीं से वर्ब नहीं है, ये तो असली वाला एडजेक्टिव है.